गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो पेपर में पूछा जाता है, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, की किसकी इन्वेंशन या किसकी डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न की किसने की थी? जॉन लैगबोर्ड ने। ठीक है, जॉन लैगबोर्ड ने की थी टीवी की डिस्कवरी। आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी? टीवी देखने से बोर हो गया, या आप ऐसे याद कर लो, टीवी देखने से लेजी हो गया, तो जॉन लैगबोर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है टेलीफोन। देखो, टेलीफोन को कैसे याद रखेंगे? टेलीफोन की बेल बजती है तो ग्राम बेल। टेलीफोन की बेल बजी तो ग्राम बेल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा AC, एयर कंडीशन। उसकी किसने की थी? विलियम्स हैविलैंड कैरियर। ठीक है, आप करियर याद कर लो कि अगर करियर बना लोगे तो फिर AC में बैठना पड़ेगा। करियर बना लो फिर AC में बैठना, तो AC से हो जाएगा आपका एयर कंडीशनर और करियर से हो जाएगा विलिस हैविलैंड करियर। ठीक है, उसके बाद आता है फाउंटेन पेन। इसकी की थी वाटरमैन ने। फाउंटेन से वाटर निकलता है तो फाउंटेन पेन वाटर। ठीक है, वाटरमैन। उसके बाद आता है टेलीस्कोप, जिसकी क्या है? गैलीलियो। देखो, गली में दूर तक देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो टेलीस्कोप गैलीलियो। पांचों याद हो गए। पहला था टेलीविज़न, कि टेलीविज़न देखने से बोर हो गए, तो ये हो जाएगा आपका जॉन लैगबोर्ड। टेलीफोन की बेल बजी तो टेलीफोन से हो जाएगा आपका ग्राम बेल। AC मतलब एयर कंडीशनर। करियर बना लो फिर AC में बैठना। फाउंटेन पेन, फाउंटेन से वाटर निकलता है तो वाटरमैन। और टेलीस्कोप का हो जाएगा टेलीस्कोप का हो जाएगा गैलीलियो, गली में दूर तक देखने के लिए टेलीस्कोप। ठीक है, अब आता है स्टीम इंजन्स। तो जेम्स के पास भाप है या सीट है, स्टीम है, तो स्टीम इंजन जेम्स वॉट। ठीक है, उसके बाद डीजल इंजन, ये है रुडोल्फ डीजल। तो डीजल से डीजल आया, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होगा? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस की AD में बल्ब लग गया, तो इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन। उसके बाद आता है एटम बम, मतलब परमाणु बम, तो रॉबर्ट ओपनहाइमर। ठीक है, रॉबर्ट का बॉम्ब ओपन से फट गया या ओपन में फट गया, ऐसे याद रख लो। उसके बाद आता है पेट्रोल कार, कार तो कार्ल बेंज। ठीक है, कार से कार्ल याद रख लो। उसके बाद है रेडियो। रेडियो का क्या था? गुलेल्मो मार्कोनी। ठीक है, इसका हो जाएगा गूगल से पहले रेडियो पर न्यूज़ आती थी। गूगल से पहले रेडियो पर न्यूज़ आती थी, तो गूगल से हो जाएगा आपका गुलेल्मो मार्कोनी और रेडियो से रेडियो। ठीक है, उसके बाद आता है सीमेंट। तो सीमेंट का था जोसेफ एप्सडिम। ठीक है, एप्सडिम, तो सीमेंट जो बिल्डिंग को शेप देता है, सीमेंट वही है जो बिल्डिंग को शेप देता है, तो ये हो जाएगा जोसेफ एप्सडिम। उसके बाद आता है हमारा मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन पर मिट्टी गिर गई, मार्टिन कूपर। मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर। उसके बाद आता है देखो पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर के आविष्कार ने होप जगा दी, तो इसका हो जाएगा आपका जॉन होप्स। पेस मेकर के आविष्कार ने होप जगा दी, जॉन होप्स। उसके बाद आता है हमारा एक्सरे। देखो, एक्सरे में क्या होता है, आप ऐसे याद रखो, एक्सरे में कान रेड हो गया या लाल हो गया, तो एक्सरे का हो जाएगा आपका विलहेम कॉनरेड रोंगटन। ठीक है, विलहेम कॉनरेड रोंगटन। उसके बाद आता है पोलियो वैक्सीन। तो ये क्या था? अपने बच्चे को पोलियो वही नहीं पिलाएगा जो क्या होगा, नासमझ होगा। तो जो नासमझ होगा, तो जो नासालक हो गया और पोलियो से हो गया आपका पोलियो वैक्सीन। उसके बाद आता है हमारा रेबीज़। तो कुत्ते के काटने के पश्चात सुई लगाकर रेबीज से बचे। कुत्ते के काटने के पश्चात सुई लगाकर रेबीज से बचे, तो रेबीज़ का हो जाएगा लुइस पैश्चर। ठीक है, उसके बाद आता है पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर भारत में पेंसिल लेके आया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर भारत में क्या लाया? पेंसिल। तो पेनिसिलिन का क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर या स्मॉल पॉक्स, आप क्या बोल सकते हो इसको? वैच। वी से हो जाएगा आपका वैक्सीनेशन, ई से हो जाएगा एडवर्ड और जेनर। ठीक है, बैक्टीरिया का आपने याद रखना है AV लिवन हॉक। बैक्टीरिया AB या BA याद कर लो, बैक्टीरिया AV लिवन हॉक। इंसुलिन से याद करो आप इफ बट, इफ से हो जाएगा आपका इंसुलिन और एफ बेंटिंग। ठीक है,
लैंड पर ब्लड बिखरा है या जमीन पर खून गिरा है तो उससे आपका हो जाएगा ब्लड ग्रुप लैंड स्टेनर, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन, जैसे ए जी सुनते हो, ए से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, जे से हो जाएगा जे जे थॉम्सन। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो चांद याद कर लो, चैडविक न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो गोपी, जी से हो जाएगा आपका गोल्डस्टीन, पी से हो जाएगा आपका प्रोटॉन और रदरफोर्ड, ठीक है। उसके बाद एटम जे जे थॉम्सन और न्यूक्लियस हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऐसे याद रख लो, नर ने से न्यूक्लियस, ऐसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।